अवेंजर्स सीक्रेट वॉर ये एक छोटी भी लेवल की तो मूवी है नहीं है, बहुत बड़ी लेवल की मूवी है। और ऐसी बड़ी लेवल की मूवी के लिए डायरेक्टर भी बड़ा चाहिए और राइटर भी बड़ा चाहिए। तो डायरेक्टर का तो रूमर चल रहा था ज्ञान इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, पर अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। पर फाइनली राइटर्स कंफर्म हो चुके हैं कि इस बड़ी लेवल की सीक्रेट वॉर को कौन राइट करने वाला है, कौन इसकी स्क्रिप्ट को लिखेगा जिससे कि ये मूवी और ज्यादा अच्छी बने। तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो पहले बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट है थंडरबोल्ट से रिलेटेड। थंडरबोल्ट्स की डिज्नी एक्सपो में फाइनली रिवील कर दी थी ऑफिशियली टीम, जिसमें कि हमें एक कैरेक्टर की कमी दिख रही थी, वो था रेडल। अब रेडल का कैरेक्टर प्ले करता है कॉमिक बुक में जनरल रॉस, और जनरल रॉस का जो एक्टर था वो अब हमारे बीच में रहा नहीं। तो रूमर्स ये आ रहे हैं कि हैरिसन फोर्ड को कास्ट करा जा रहा है जनरल रॉस के लिए, और वो आने वाले टाइम में रेड हल्क बनेंगे। तो कोई अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, बस रूमर है, और जैसे कोई कंफर्मेशन होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि ब्लेड से रिलेटेड। तो ब्लेड के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया, अब न्यू डायरेक्टर सर्च करा जा रहा है और स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखा जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि पहले जो अपडेट थे अब काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट में चेंज कर दी गई हैं। इस मूवी में आपको अब यूरोपियन वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको टाइम डायलेशन टाइप का देखने को मिल सकता है, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड की, कभी 1980, 1920, 1940, साल 2025 तक का भी आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो ब्लेड इस लेवल की अगर होने वाली है तो लिटरली मजा आएगा टाइम पीरियड को देखने में। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। तो फाइनली अपडेट ये आ रहे हैं, ब्लैक पैंथर के बाद कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले नोवा, वंडर मैन, उसके बाद मिडनाइट एंजल सीरीज जो कि वकांडा फॉरएवर से कनेक्टेड होगी, फिर उसके बाद वकांडा फॉरएवर नेशन सीरीज जो कि एक ब्रांड न्यू है, फिर शैंगची की स्पिन ऑफ जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो मार्वल इन सीरीज पे काम करने वाला है, पॉसिबली शायद ये सीक्रेट वॉर से पहले सारी की सारी रिलीज हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के राइटर्स के बारे में। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है जो लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के राइटर थे माइकल, वो अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को राइट करने वाले हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। अब काफ़ी लोग निराश भी हैं क्योंकि यार ये माइकल को काम मिला है, ठीक है, बट सीक्रेट वॉर बहुत बड़ी लेवल की, और कम से कम इन्हें 3 से 4 राइटर्स रखने चाहिए जिनकी अलग अलग थिंकिंग हो, वो अलग तरीके से इस मूवी को लिखें। और ये मूवी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, आप सभी को पता ही है इसकी स्टोरी कितनी बड़ी है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, अगर इस मूवी में हल्का सा भी थोड़ा ऊपर या नीचे हो गया तो भाई साल 2025 तक जो मार्वल फैंस वेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। बाकी होप जो भी अपडेट आएंगे सीक्रेट वॉर से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पे सबसे पहले।